हत्याकांड की एनआईए जांच होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय इस बात का ऐलान कर चुके हैं। कवर्धा में साधराम की हत्या हुई थी और उसके बाद की जानकारी, जैसे ही सियासी माहौल गरमाया प्रदेश में, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये सराहनीय निर्णय, उनकी तरफ से कहा गया है कि एनआईए अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने वाली है। जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषीदार लोगों को मिले। तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो, और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है। और बात राजधानी भोपाल की, जहां महादेव सट्टा ऐप केस में ईडी की रेट पड़ी है। रायपुर से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर छापा पड़ा है। आपको बताएं कि कंपनी से जुड़े पार्टनर के यहां ईडी की रेट पड़ने को लेकर जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। गुलमोहर इलाके में ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। गुरुवेश कुमार के आवास पर टीम ने दबिश दी है। एकेएस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी के सहयोगी ने ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर जानकारी दी और उनकी तरफ से ही अपडेट तस्वीरें ठिकाने। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठक हुई है। पहले क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग हुई, इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। इसके बाद बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने पर मंथन हो रहा है। 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार होगा। इसे कल दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पेश किया जाएगा। जो हमारे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और लोकसभा वाइज जो उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए उस पर अपने सुझाव विचार मांगे जा रहे हैं, उनको अंकित किया जाएगा। और दिल्ली में कल बीजेपी की भी बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। 5 से 6 नाम उम्मीदवारी के तौर पर छत्तीसगढ़ से सामने हो सकते हैं। 4 मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। 5 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारना भी तय माना जा रहा है। बिलासपुर सरगुजा रायगढ़ सांसद इनके विधायक बन चुके हैं, इसलिए इस पर तो नए नाम होंगे ही। कोरबा बस्तर में बीजेपी को हार मिली थी, यहां पर भी परिवर्तन की सुगबुगाहट है। छिंदवाड़ा का जिक्र करेंगे, जहां कमलनाथ भावुक नजर आए हैं। जनसभा चल रही थी, उसी जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। जनसभा में भावुक होकर ये भी कहा कि मैं आपको खुद को आप पर थोपूंगा नहीं। सुनिए। कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। आपने 30 साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहे कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। आपने 30 साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। और छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के विदा होने वाले बयान को लेकर सियासत गरमाते हुए बीजेपी ने इसे कमलनाथ की कांग्रेस से नाराजगी बताते हुए प्रधानमंत्री से प्रभावित होना बताया और कांग्रेस इसे जबरन तूल देने की बात कह रही है। जिस तरह से देश की जनता का मन मोदी जी के साथ है, जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने विरोध किया, अब कमलनाथ जी भी समझ रहे हैं कि जनता के बीच में वो जा नहीं पा रहे हैं और जनता उनको वापस भेजना चाहती है। ये उनकी बेचारगी दिखाती है कि वो उस जनता के बीच में जहां 4 दशकों से काम कर रहे हैं, आज स्वयं कह रहे हैं कि आप कहो तो मैं चला जाऊं। मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कमलनाथ जी इस सच्चाई को समझ चुके हैं। देखिए, ये सस्पेंस तो आप लोग जब तक चाहेंगे तब तक बना रहेगा। कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये सब मीडिया की चलाई हुई बातें हैं। मेरा तो कहना भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर बयान दे देना कि भारतीय जनता पार्टी की कमलनाथ जी को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी, कभी कहते हैं हम स्वागत करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। कमलनाथ जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है और वे पार्टी में रहेंगे, इस बात की घोषणा वे स्वयं कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इसको लेकर के अटकलें खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, भाजपा के नेताओं को बयान देना चाहिए कि उनकी क्या राय है। और देवास की मल्हार कॉलोनी में चामुंडा गैस एजेंसी के हॉकर के यहां खाद्य विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
दरअसल प्रशासन को अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर रखने की शिकायत मिली। सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग और पुलिस को 28 घरेलू सिलेंडर और 5 व्यावसायिक सिलेंडर मिले। 18 सिलेंडर भरे हुए मिले, सभी को जब्त किया गया है। इसके अलावा नजदीकी कियोस्क सेंटर से भी 18 सिलेंडर जब्त किए गए थे, जिसमें 14 भरे हैं, 4 खाली हैं। अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई की गई, सभी सिलेंडर कलेक्टर के आगामी आदेश तक जब्त रहे। खरगोन में बेकरीज पर कार्रवाई हुई है। मिलावट से मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। एसडीएम और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। लेबलिंग पैकिंग में अनियमितता, गोदाम सील कर दिया गया है। 3,396 किलोमीटर टोस्ट सील किया गया है, किलोग्राम माफ कीजिएगा, टोस्ट सील किया गया है। सैंपल लेकर भोपाल लैब भी भेजे जा चुके हैं और सैंपल में अगर कहीं भी कमी पाई जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि अच्छी खासी कार्रवाई फिर इस बेकरी के खिलाफ हो सकती है। अलग अलग बेकरीज पर छापा पड़ा। बिलासपुर से आगे खबर है, जहां कोल स्कैम मामले को लेकर राम गोपाल अग्रवाल पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने एक से ज्यादा समन भेज दिए हैं। अब कार्रवाई की तैयारी में ईडी नजर आती हुई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं राम गोपाल अग्रवाल और उनके तरफ से अभी तक पेशी नहीं होना कई बार कई सारी संभावनाओं को भी जन्म देता है। परिस्थिति में जब वो नहीं आ रहे थे तो हमने स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष आवेदन लगाया था नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने के लिए। दो बार हमने प्रयास किया था, लेकिन माननीय विशेष न्यायालय का मत ये था कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अरेस्ट करने के पावर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये भी उपबंध दिए हुए हैं कि अगर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी सहायता ले सकते हैं। और राजनांदगांव में एक बार फिर से पीला पंजा चला है, यानी कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जानकारी सामने आई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। शिकायत के बाद निगम ने कार्रवाई की। निगम की कार्रवाई के दौरान विवाद भी हुआ, अमले के साथ झड़प को लेकर भी जानकारी झूमा झटकी हुई है। लेकिन बुलडोजर एक्शन किस रफ्तार से चल रहा है ये भी जरूर स्पष्ट होता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतिक्रमण पर आक्रमण की। अगली खबर गुना से है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर सरकार की बेशकीमती जमीनों को मुक्त करवाया है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सकतपुर रोड पर स्थित लाखों रुपए की सरकारी जमीन के सख्ती के साथ कब्जे हटवाए। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। कब्जे हटवा रहे अधिकारियों के सामने महिलाएं विरोध करने पहुंच गई थी। और हरदा पटाखा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, विस्फोट के मामले में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। फैक्ट्री से जब्त पटाखा सामग्री नष्ट की जानी है। धार के पीथमपुर में पटाखा जो सामग्री है उसे नष्ट किया जाएगा। 1,20,000 किलो पटाखा सामग्री यहां से जब्त की गई थी। अभी भी 30,000 किलो पटाखा सामग्री भेजी जा रही है। कोर्ट के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई अब आप देखने वाले हैं। विनिष्टीकरण की कार्रवाई आदेश अनुसार, माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार की जा रही है। इसमें जो है उनको पीतमपुर में जो इसका विनिष्टीकरण का जो केंद्र है उसमें यहाँ से लेके जा रहे हैं और सुरक्षा के हिसाब से, और उनको इस हिसाब से मतलब विनिष्टीकरण की कार्रवाई है।